आज का जो प्लान है 28x32 मतलब 28x32 में आपको 3 बेडरूम के साथ किचन लैट्रिन बाथरूम के साथ एक प्यारा सा मकान मिलेगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और आपका बजट 10 लाख के आसपास है तो आपने बिल्कुल सही प्लान को क्लिक किया है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। कोई नक्शा बनाओ, नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। प्लान की बात करें तो जो भी मैंने यहाँ पर कॉलम दिए हैं ये 10x10 का यहाँ पर कॉलम दिया है दोस्तों, ठीक है। इस मकान में आपको 10x10 का कॉलम मिलेगा, सिंगल फ्लोर एक मंजिल के लिए आपको 10x10 का कॉलम इस तरीके से मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको हमेशा कॉलम में 12 mm का ही सरिया यूज करना है। बहुत लोग 8 mm का सरिया यूज करते हैं, 10 mm का सरिया यूज करते हैं कॉलम में, जो कि गलत है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि कॉलम में आपको हमेशा 12 mm का ही सरिया यूज करना है दोस्तों, ठीक है। फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 2 कॉलम हैं, डिजाइन का पार्ट है इस तरीके से। कितने नंबर आप कॉलम हो गए? 4, 4, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर आप कॉलम से इसमें आपके टोटल हो जाएंगे दोस्तों। अब बाहर की जो दीवार है उसको मैंने 10 इंची का रखा है फॉर सेफ्टी रीजन, ताकि कोई तोड़ करके मकान में घुसे ना। सेफ्टी भी ज़रूरी है, बहुत लोगों का भाई गांव का प्लान रहता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी का मैटर रहता है, तो बाहर की दीवार 10 इंची रखें। और प्लस जैसे खिड़की वगैरह आप लगाएंगे तो उसमें दीवार में क्रैक कभी डेवलप नहीं होगा दोस्तों, इसी वजह से बाहर की दीवार 10 इंची यहाँ पर रखा गया है। तो और अंदर की जो भी दीवार है वो 5 इंची आपकी रहेगी। बाहर की दीवार 10 इंची, अंदर की दीवार आपकी 5 इंची, इस तरीके से आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से पूरा ये वॉल्स कंप्लीट होके आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं, इसका प्लिंथ लेवल भी थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, कुर्सी का लेवल भी थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर होता रहे कि ये भाई ये आपका प्लिंथ का लेवल आपका यहाँ तक रहेगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, आपका कुर्सी का जो लेवल है यहाँ तक आपको मिल जाएगा। अब इसका थोड़ा मैं यहाँ पर टेक्सचर जो है चेंज कर देता हूँ, जो इसका प्लिंथ लेवल है इसका जो टेक्सचर है यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए, इसका जो टेक्सचर है यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है भाई। मकान बना लिए, प्लिंथ बना लिए, मकान में एंट्री के लिए आपको स्टेप्स देना होगा कुर्सी के हिसाब से। तो ये आपकी हो गई सीढ़ियाँ, यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी इस तरीके से। चाहे तो आप पूरा सीढ़ी बना लें, चाहे तो आप इस पर्टिकुलर एरिया पे ही सीढ़ी बना लें, आपकी चॉइस है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टेप्स हो जाएंगे। ये जो भी सीढ़ी बना रहा मैंने 4 फीट में बनाया है और 6 इंची ऊंचाई रखा है, 10 इंची इसका त्रेड़ा है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ से एंट्री करेंगे, इसके बाद ये आपको बरामदा एरिया मिलेगा, ठीक है। यही बरामदे से ही एक गेस्ट रूम दिए गए, इसका दरवाज़ा आपका बरामदे से ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। इस गेस्ट रूम का जो दरवाज़ा है बरामदे से ही आपका इस तरीके से यहाँ पर रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको बरामदे का दरवाज़ा, यहाँ पर आपको गेस्ट रूम का दरवाज़ा आपका बरामदे से इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रहेगा मेन गेट, इस पर्टिकुलर एरिया पे रहेगा मेन गेट, यहाँ पे इस जगह पे आपका रहेगा मेन गेट, यहाँ से आप इंट्री करेंगे। ये आपका बरामदा, गेस्ट रूम, ये आपका हॉल एरिया, अंदर आपका जो भी है ये हॉल एरिया आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो गया किचन, किचन की भी प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, इस तरीके से आपके किचन की प्लेटफॉर्म हो जाएगी। और किचन का जो दरवाज़ा है यहाँ पे आपका इस तरीके से इस जगह पे आपका लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका किचन का दरवाज़ा यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ये ठीक है, ये आपका किचन का दरवाजा हो गया। इसके बाद पीछे की तरफ आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। साइज़ वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें तभी आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये आपको पहला बेडरूम है, इसका दरवाज़ा आपका इस तरीके से, थोड़ा दरवाज़ा मैंने रोटेट इसलिए किया ताकि कोई हॉल में बैठा तो डायरेक्ट उसको न देखे, अंदर की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो आपके मकान के, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरे बेडरूम का दरवाज़ा आपका इस जगह पर आपका लग जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। और बीच में आपका हो गया टॉयलेट और बाथरूम, हालांकि इसमें मैंने बाथरूम ही रखा है, आप चाहे तो टॉयलेट बाथरूम दोनों रख सकते हैं, आपकी चॉइसेस में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये आपके पूरे 3 कमरों का मकान इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और मकान कंप्लीट होने के बाद आपको ये इस तरीके से दिखेगा, खिड़की वगैरह आप हालांकि चारों साइड यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। मकान को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रंट से आप एंट्री करेंगे बरामदा एरिया, बरामदे से एक दरवाजा दिया गया गेस्ट रूम में, ये आपका गेस्ट रूम हो गया। इसके बाद मेन गेट, मेन गेट से एंट्री करेंगे हॉल एरिया रहेगा। सीढ़ी समझ लीजिए कैसे बनाए गए, ऊंचाई हमने 6 इंची रखा है, फिर 10 इंची, चौड़ाई 3 फीट है, और ये इस तरीके से सीढ़ी रहेगी दोस्तों। इधर हो गया आपका किचन, ये आपका किचन हो गया। पीछे की तरफ आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, बीच में आपका ये टॉयलेट बाथरूम, हालांकि बाथरूम है, आप चाहे तो टॉयलेट बाथरूम दोनों बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब फटाफट साइज आपको समझा देते हैं, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। तो प्लान की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट जो है 28 फीट है इस तरीके से, और इसकी लेंथ की बात करें तो 32 फीट है। 28x32 में आपके पूरा ये प्लान आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बरामदे की अगर बात की जाए तो 8 फीट 10 इंच × 14 फीट 9 इंच का आपको बरामदा मिलेगा, जो कि पर्याप्त है, आपको स्पेस में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। गेस्ट रूम 11x12 का आपको मिल जाएगा। लॉबी एरिया आप देख सकते हैं 10.5 फिट × 6 फिट 9 इंच, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा भी मिलेगा, सीढ़ी के नीचे भी स्पेस मिल जाएगा।
किचन आपको मिलेगा 7.5x7 का, ठीक है, 7.5x7 का आपको किचन मिल जाएगा। और पीछे वाला रूम 10.5x11 का आपका पीछे वाला जो रूम है 10.5x11 का मिलेगा। ये वाला रूम 11x11 का, जो इस साइड में आपका रूम है 11x11 का आपको मिल जाएगा। 4x7 का आपका ये टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा। ये इस तरीके से पूरा ये प्लान आपका इस तरीके से रहेगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई नक्शा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।